नमस्कार, आदाब। मैं देवज्योति और आप देख रहे हैं डेली आइकन्स। आज हम लोग पहुंच चुके हैं द रॉयल गार्डन होटल में। यहाँ पे कोलकाता फैशन एग्जीबिशन कम सेल हो रहा है, जिसका ऑर्गेनाइज़र है तासू वाली। इस एग्जीबिशन का एक ख़ास बात है कि जो भी प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है वो आसाम फ्लड में डोनेट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आइए चलिए पूरे एग्जीबिशन को हम घूम के आपको दिखाते हैं। डोनेशन ये है, यहाँ पे मैंने डोनेशन बॉक्स रखा है। जो भी गेस्ट आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। उसमें जितने भी डोनेशन आएगा वो हम लोग जाएंगे आसाम में। यहाँ पे 40 स्टॉल्स लगे हुए हैं और सब लेडीज हैं। पे आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, आपको कुर्तीज, सूट्स, ज्वेलरीज एंड शूज, एवरीथिंग व्हाट यू वांट। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ही ख़राब हो गई थी, इसके वजह से मैं थोड़ा बैक हो गई थी। तो जब मैं ठीक हूँ तो उसके मैं वापस आई हूँ। तो इसीलिए हमेशा कुछ भी हो, कभी बैक नहीं होना चाहिए, हमेशा फिर से आपको सामना करके वापस आना चाहिए। तो देखिए, सभी को रहता है, मुझे भी है। बस यही उम्मीद है मेरी प्रोग्राम जो मैं की हूँ, बस ये बहुत सक्सेसफुल हो और जितने भी स्टॉल होल्डर हैं उनकी अच्छे से सेलिंग हो जाए, तो मेरी बस यहीं पे जीत है। अच्छा, आप क्या राय आपका? मैं बहुत ही दिन से, जब से वहाँ पे ऐसा मुसीबत आई तो मैंने सोचा था मैं कैसे ही उनकी मदद करूँ। तो बहुत ऐसा होता है जैसे कि हम लोग किसी से चैरिटी बोलते हैं, आप कुछ दे दो, तो कभी कभी ये चीज़ गलत लगता है, मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं गलत सोचते हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके इसको मैं सपोर्ट करूँ। सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, ये मेरा 2019 से ये वुमेन को लेके मेरा काम करना है। तो उसके बाद मैं करती हूँ अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड है उसके एडुकेशन के लिए। तो अभी ज़्यादातर हम लोग एडुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, तो बस ये दो पे मेरे ज़्यादा फोकस है। मैंने अभी तक तो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज में 30 एडिशन हो चुका है, जहाँ पे बहुत ऐसी लेडीज़ रहती थी उनको मतलब सामने आने में डर भी लगता था। तो ये एग्जीबिशंस करके उनको मैंने ये बोला, जो आप डरिए मत, आप आगे हैं, क्योंकि वुमेन बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो इसके वजह से समझिए बहुत लेडीज आगे आई हैं, तो यही मेरे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। विशन का ये एक्सपीरियंस रहा, क्राउड देख के अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ मतलब इतने अच्छा से ताशु अली जी ऑर्गेनाइज़ किए, साथ में मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा न्यू एक्सपीरियंस ये करके। तो बहुत ताशु जी जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमको बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि मैं ताशु जी के साथ मतलब हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रही हूँ, या कंधे से कंधा मिला के वीमेन पावर के लिए मतलब काम कर रही। घर से निकलना चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे घर, फैमिली, बच्चे सब कुछ है, उसके बाद भी थोड़े अपने लिए भी टाइम और इस तरह के काम के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए मेरे ख्याल से। शी इज़ ग्रेट। यहाँ पर मजीबिन बाजी है, शकील भाई हैं, और ताशु हमेशा इवेंट में रहती है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। सबसे बड़ा मिसाल है कि आप अगर सामने देखें तो तमाम सिर्फ आपको बहन और आंटी मिलेगी जो स्टॉल में बैठी हुई है, और ज़्यादातर सब मुस्लिम हैं,
एक वक्त था जबकि मुस्लिम औरतें बाहर नहीं निकलती थी, आज ताशु वाली और बहुत सारे जो इवेंट कराते हैं उन लोग के समझिए वो लोग के एक जरिया से आज औरत घर से निकल के बाहर आज एक बिजनेस कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर है अपने घर अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताशु वाली जो काम कर रही है मैं उनके साथ हमेशा हूँ, ये बहुत अच्छा सोच है। ये देखिए बिजनेस हर कोई करता है और हर कोई कमाता है, बट हम अपना कमाई में से कितना परसेंट दे सकते हैं। आज हमारे इस्लाम में भी है कि हम जितना कमाते हैं उसका ज़कात उसका फितरा हर साल निकालते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ताशु वाली का जो सोच था ये बहुत नेक सोच था। आज यही वजह है कि मैं हावड़ा से चल के ताशु वाली का प्रोग्राम में पाक सर्कस आया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अरम फाउंडेशन ऐसा किसी का साथ नहीं है और है भी, मैं हमेशा सबके साथ हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है अरम फाउंडेशन का मुझे या मेरे टीम का, आप जब बुलाएं मैं हमेशा हाजिर हूँ। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग और मैं मेरे सिस्टर ताशु जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर पे इनवाइट किया है यहाँ पे। और एक कहावत है कि धरती पे भी फरिश्ता होते हैं और ताशु सिस्टर एक फरिश्ते हैं, शी इज़ अ एंजल ऑन अर्थ बिकॉज वो इतने अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और मैं ये उनके लिए विश करना चाहता हूँ कि वो इस तरह और काम करे और लोगों को हेल्प करे। और विश यू ऑल सक्सेस ताशु जी इन योर इवेंट टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ये एग्जीबिशन ताशु वाली और सगुफ्ता गाजी ने ये एग्जीबिशन किया है। इन लोग का 13th एडिशन है, बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, क्राउड भी बहुत अच्छे हैं। ये वुमन्स का हौसला अफजाई के लिए ये औरत लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया गया यहाँ से कोलकाता फैशन के, इससे इन लोग का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इन लोग आगे बढ़े, बढ़ चढ़ के अपना बिजनेस को आगे ले जाए। देखिए मैं काफ़ी साल हो गया मैं खुद ह्यूमैनिटी की तरफ काम कर रही हूँ। अब जब मतलब मेरी छोटी बहन जैसे ताशु दीदी करके बोलती है मुझे और मैं उसे जब देखती हूँ वो इतनी उभर के आगे आ रही है, असम फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में वो जाके मतलब खुद जाएगी, वो मुझे अश्योर की है खुद जाके वहाँ लोगों की सहायता करेंगे। सो ताशु के लिए तो बेस्ट विशेस है, दुआ है हमेशा। मेरी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग भी प्लीज़ सिर्फ अपनी प्राइवेट जेट में या हेलीकॉप्टर्स में पिक्चर्स मत क्लिक कीजिए उस फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के, लेकिन आइए जुड़िए ह्यूमैनिटी के साथ और मानवता के लिए काम कीजिए। तो इसके लिए ताशु थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर ह्यूमैनिटी, बहुत ही बढ़िया काम है ये। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्पॉन्सर्स को, क्रिस्टीना एवर्स। और फैशन इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, फैशन ग्रूमर कोरियोग्राफर हूँ। लेकिन ताशु का ये जो फाउंडेशन है द राइजिंग फाउंडेशन, ये हमेशा राइजिंग ही रहता है। देखिए हम लोग तो आज से ये असम फ्लड के बारे में देख रहा हूँ कि इसमें भी उन्होंने हेल्प किया है और ही इज़ ऑलवेज स्टैंड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। पर हम लोग बहुत कम ही जानते हैं कि ये जो कोरोना के टाइम पे इन्होंने जो किया, हम सभी ने बोले हैं कि बहुत सारे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट किया कितने लोगों ने? किसी ने नहीं किया, सच में बहुत कम ही लोगों ने दिल से किया है। और इन्होंने बोला बहुत कम है पर किया बहुत सारे। तो वी नो एवरीथिंग कि आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि ताशु जैसे काम करते जा रहे हैं कभी वो कभी इवेंट्स के पीछे नहीं भागते, फेम के पीछे नहीं भागते। तो ये जो राइजिंग फाउंडेशन है ये हमेशा राइजिंग रहता है। तो हमेशा आई एम वेरी मच ग्लैड टू स्टैंड ओवर हियर एंड she has invited me, so I'm very much overwhelmed that she has thought that I'm
worth coming over here and stand for this type of humanity forever and ever. हम लोगों का ज़िंदगी जो है उससे भी बढ़िया वो रहे, क्योंकि उनका रहना ज़रूरी है. वो रहेंगे तो बहुत सारा लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे ना रहेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, तो दुनिया के लिए बहुत इट इज़ वेरी मच गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड. तो आई थिंक दैट ह्यूमिनिटी शुड कम्स इन दैट वे बाई ताशु. एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी मच थैंकफुल, कॉन्ग्रेचुलेटिव. I'm Asha Khatun and I am the winner of Mrs. Kolkata 2022 from City of Joy, and I've been called as a Mehdi competition judge over here by Tashu Ali, so it's a very proud moment to be here. इतना अच्छा लग रहा है. आई डिडंट एक्सपेक्ट इतना हाउसफुल होगा. देखो यहाँ घूरने का जगह नहीं है. अब यहाँ जो आएगा तो आई थिंक दे विल हैव टू बी स्टैंड बाई में रहना होगा बाहर. तो ऑनेस्टली अब देखिए यहाँ पे कहीं भी एक जगह में कहीं पे हवा घुसने का जगह नहीं है. सो ऑल क्रेडिट गोज टू ताशु है, और ताशु जी जो राइजिंग फाउंडेशन से जो काम करती हैं इट्स कमेंडेबल. हैट्स ऑफ टू हर. एक लेडीज़ नहीं बोलेंगे हम लोग, जेंडर में हम लोग ये नहीं बिलीव करते हैं. तो जेंडर के हिसाब से और हम लोग हाँ हम लोग को सीनियर बोलकर हम लोग को ऑनर देती है बराबर. तो लेकिन हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सक रहे हैं. सो वी आर लर्निंग फ्रॉम हर एंड थैंक यू फॉर एवरीबडी जो भी यहाँ पे स्टॉल लिए हैं और जिसको ये पता था कि ये कोर्स असम फ्लड विक्टम्स लोग के लिए है, और उन लोग आगे आकर ही अपना यहाँ पर और इस तरह का अपना स्टॉल लगाई है. सो थैंक यू टू देम ऑल्सो. उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू. एंड हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि आगे भी चलकर अगर इस तरह का हो तो इफ़ वी कैन ऑल्सो और भी हम लोग आके इस तरह से और भी आदमी आए और भी इसमें आकर पार्टिसिपेट करें और ज़ोर शोर से इसमें आकर क्या होता है कि सब कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. और इस तरह से अगर मिलता है तो वी शुड नॉट लीव इट. हम लोग